गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। मैंने बताया था यार, अब बाइक रिव्यूज लेके आते हैं, तो इस बार कुछ अलग बाइक लेके आया हूँ। और इसी के साथ पूछ लेता हूँ, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होने वाले हो। तो ठीक है, दिखाता हूँ आपको बाइक कौन सी है और क्या उसके अंदर लगा हुआ है। थोड़ी सी यूनिक लगी इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे भी दिखानी थी। तो देखो यार, ये है कुछ नया जो मैं दिखाना चाह रहा था, थोड़ी सी अलग है, दिखाता हूँ कैसे। ये हैं राहुल भाई। हेलो राहुल भाई, कैसे हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या ओन करते हो भाई, बताना चाहोगे आप। ये है RC 500 और ये मैंने ली थी सितंबर में। ओके। और वैसे मैं रोड बाइक चलाता था, हाँ? लेकिन मैंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डाली इसके अंदर, तो मुझे पता लगा कि हाँ, इसमें स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू, और ये बजट फ्रेंडली भी है थोड़ी सी। तो मतलब भाई, इसी के ऊपर क्यों आप गए थे। लाइक इससे नीचे भी मॉडल्स आते हैं, ट्राइबन आई थिंक 100 आता है, देन 120 आता है, उसके लिए क्यों नहीं गए आप। मैंने ट्राई करा, लेकिन उसका रीज़न ये था, एक तो ये ग्रेवल में कन्वर्ट हो सकती है। ओके। दूसरा ये था, इसके अंदर कार्बन फोक है। तो भाई फर्क क्या होता है ग्रेवल में और रोड बाइक में। ग्रेवल की एक तो ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग होती है, एग्रेसिव थोड़ी सी कम होती है। ओके। और ये BRM में आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये समवेयर अराउंड हाइब्रिड और रोड के बीच में होती है। ओके। ताकि इसमें रोड वाली स्पीड भी मिल रहा है हमें, और हाइब्रिड वाला कंफर्ट भी मिल रहा है। इसके अंदर हम टायर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे देख रहे हो कि मैंने 35 टायर इंस्टॉल कर रखे हैं। हाँ देखो यार, ये टायर थोड़े से अलग लगे, लाइक नॉर्मली देखते हो ना, तो इसके जो वो बोलते हैं क्या बोलते हैं गट्स थ्रेड्स बोल लो, तो वो थोड़े से अलग हैं इसके, बेसिक जो नॉर्मल होते हैं ना उससे अलग है। और इसी के साथ साथ एक और प्यारी चीज़ लगी, वो देखो यार, ये जो रैप किया हुआ है उन्होंने, ये कुछ अलग ही लुक दे रहा बाइक को। तो भाई इसमें क्या ग्रुप सेट क्या लगा हुआ है। इसका ग्रुप सेट 16 का है, और 16 कंप्लीट ग्रुप सेट है। ओके। रेलियर भी 16 का है, क्रैंक भी 16 का है, और शिफ्टर भी 16 के हैं। तो देख सकते हैं यार, ये अपना ये कैसेट कितने स्पीड की है, 9 स्पीड है। 9 स्पीड है। ओके। ये अलग लगी हुई है ना शायद नॉर्मल से, नॉर्मल ये नहीं आती। ये नॉर्मल यही आती है। यही आती है। हाँ। ठीक है। और आगे भी 16 कह रहे हो आप। इसमें कैसेट आती है 1132, और आगे क्रैंक सेट आता है 5034। ओके। 5034 दोनों कंपैटिबल होता है, अगर हमें रोड पे चलानी है तो 50 और पूरा 9 स्पीड यूज कर सकते हैं, और अगर हमें थोड़ी सी इंक्लाइन पे रखना है, हाँ? तो आगे 34 रख के हम पीछे का अच्छा एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जो कि चढ़ाई में कंफर्टेबल रहता है। तो ये हम कैसे चेक, मतलब पता कैसे चलता है इसके बारे में कि हमें कॉम्बिनेशन क्या रखना है। आपको एफर्ट से पता लग जाएगा कि आपको थोड़ा कम एफर्ट लगाना है, या फिर आपको कैडेंस मेंटेन करनी है, तो आप उस गियर को शिफ्ट डाउन कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम जनरली 90 की कैडेंस पे चलाते हैं, पर हम तो नहीं करते कि हमें 90 पे चलाना है, लेकिन हमें बाय द टाइम फील आ जाता है। ओके। तो बस ये होता है। तो कुछ इजी भी हो जाता है, लाइक अगर ये कॉम्बिनेशन हमें अच्छे से आता हो तो। कॉम्बिनेशन अगर आपको फील है, क्योंकि इसके अंदर इंडिकेटर तो नहीं है कि अभी कौन से गियर पे चल रही है, लेकिन आप अपनी कैडेंस की फीलिंग से और पावर से बता सकते हो कि हाँ आप सही गियरिंग पे हो। और इसके अंदर गियरिंग भी बहुत स्मूथ है, और एक शिफ्टर तो इसके अंदर देखो शिफ्टर भी 16 के लगे हुए हैं। ये भाई अभी गिर गए थे थोड़ा सा, तो इसलिए दिखेगा आपको। यार देखो शिफ्टिंग, मतलब ये किस में फ़र्क कैसे पड़ता है, पता कैसे चलता है कि ये ज़्यादा स्मूथ है, इससे ज़्यादा स्मूथ भी कुछ होता है। हाँ। ये कैसे पता चलता है हमें। एक तो ये रीज़न है कि इसके अंदर जो आप इसके अंदर जो बेयरिंग्स हैं, हाँ? वो सील्ड बेयरिंग्स हैं। ओके। और जो नॉर्मल रोड बाइक्स में होते हैं, मतलब नॉट फॉर अ क्लासिक बाइक जैसे ट्रैक हो गया उसमें तो नहीं। ओके। बट एक एवरेज बाइक के अंदर, एंट्री लेवल की बाइक्स के अंदर कप एंड कॉन्स होते हैं। ओके। तो कप एंड कॉन्स के अंदर जो लोड होता है, हाँ? तो एक एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। वो पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन जब हम सील्ड बेयरिंग की बात करते हैं, हाँ? एक तो वो सील्ड होती हैं, हाँ? जिसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होता, बिल्कुल, और उसमें हमें लोड एकदम पैरेलल मिलता है। ओके। तो उससे रोलिंग अच्छी हो जाती है। रोलिंग अच्छी होती है।
ओके तो ये भाई ऐसे क्विक रिलीज लगे हुए हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है आई थिंक इजीली निकल जाते हैं जब पंचर वगैरह होता है। पंचर होता है तो इजीली निकल जाता है, हमें उल्टा करके आराम से इसका टायर निकाल सकते हैं, ट्यूब चेंज कर सकते हैं, और जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब भी इसका टायर को शिफ्ट करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आगे और पीछे दोनों क्विकली। भाई इसमें जो ब्रेक्स हैं वो कैसे हैं, मैकेनिकल हैं या फिर हाइड्रोलिक्स हैं? इसके अंदर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको। ओके, और मैं दिखा देता हूँ आपको, 160 mm। हाँ, और इसके अंदर आगे और पीछे दोनों मैकेनिकल डिस्क ब्रेक हैं, और मैकेनिकल डिस्क ब्रेक प्रो मैक्स के हैं। ओके, जो की एक अच्छी क्वालिटी के डिस्क ब्रेक माने जाते हैं। तो जो शिमानो आते हैं उससे अच्छे होते हैं या फिर थोड़ा सा कुछ फर्क है शिमानो और इसमें? डेफिनेटली शिमानो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में आएंगे। ओके, बट वो उसके लिए मतलब बजट हमारा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो और वो भी हाइड्रोलिक में और अच्छे होंगे। मतलब बेसिकली मैं जो देख रहा था, मैंने एक बाइक रिव्यू की थी ट्रैक की मोंडा, तो उसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए हुए थे, तो यार मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि हाइड्रोलिक्स रोड बाइक में कैसे कंफर्टेबल होते नहीं होते? होते बिल्कुल होते हैं। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में और मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में फर्क होता है अलाइनमेंट का। ओके, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के अंदर अलाइनमेंट पैड एकदम बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे रोटर से। ठीक है, और जब हम ब्रेक दबाएंगे तो बराबर ही एकदम, तो ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है, ब्रेकिंग एकदम कंफर्ट में होगी। लेकिन मैकेनिकल में क्या होता है, अगर आपने टायर निकाला और आप टायर डालते हैं तो थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं, लाइक एक पैड ज्यादा यूज होता है एक कम होता है, ऐसा हो जाता है, मैनुअली चेंज करना। अरे इसमें एक चीज अच्छी बता दूं, देखो मैंने जो ट्रैक दिखाई थी उसमें क्या था, यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ था, बट इसमें यहाँ पे रबड़ दी हुई है ताकि ये टच ना हो और फ्रेम पे कोई इफेक्ट ना आए। ये देखो इधर भी दे रखी है, या आपने लगाई हुई है ये? नहीं, इसमें लगी हुई है। लगी हुई है ये ना? हाँ, और इसके अंदर ना ये फोक के ऊपर बस ये पैनी रूक्स भी है। आई थिंक ये कार्बन फोक है। तो इसमें टायर साइज क्या होता है अभी? 25 to 36 mm तक मुझे लगा। ओके, जो ग्रेवल है इसलिए इसमें लगा सकते हैं, वरना बेसिक जो साइज होता है इसमें क्या आता है? बेसिक जो साइज है जब हम बाइसाइकिल करते हैं तो उसमें आता है 700 to 28 mm। बहुत कंफर्टेबल होता है। तो भाई इसमें जो हमें सीट मिलती है वो भी बिटवीन की मिलती है, ये देख सकते हो आप, इधर बिटवीन की वेजिंग है। जूम कर यार, नहीं करेगा, छोड़ो। तो ये एर्गोफिट सिस्टम की हमें सीट मिलती है, तो इसका क्या होता है भाई, कुछ बताओगे? साइज क्या है ये, फ्रेम साइज क्या है? साइज फ्रेम है एम साइज है, और इसमें तीन साइज आते हैं, एल, एम और एस। ओके, और ये फ्रेम जो है वो टूरिंग फ्रेम कहते हैं, ग्रेवल तो खैर स्पेसिफिकली नहीं, बट टूरिंग फ्रेम है। टूरिंग फ्रेम जो है वो एग्रेसिव थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू प्रॉपर रोड से। ओके, तो इसलिए ये अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप नीचे ऊपर दोनों कर सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा हम इसकी स्टेम की हाइट भी थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें ये ब्रैकेट दिए हुए हैं, इनको ऊपर नीचे आप चेंज करके इसको भी चेंज कर सकते हो। तो भाई हम कैसे चेक कैसे करते हैं कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग चेक होता है फ्रेम साइज? इसके अंदर यहाँ भी ना कुछ बोल्ट दिए हुए हैं, आई थिंक माउंट है किसी चीज़ के लिए। तो राहुल भाई किस चीज़ के माउंट होते हैं बताओगे? ये माउंट है ताकि हम आगे एक कोई भी बैग या फिर हम पैनियर लगा सके। ओके, क्योंकि टूरिंग बाइक है तो उसके अंदर इसलिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ लाइक हाँ, ये टूरिंग बाइक है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हम अगर वेट कैरी करते हैं तो इसमें लगेज अच्छे से कैरी हो जाता है। लाइक देखो यहाँ पे माउंट दिया हुआ है पीछे रैक के लिए, एक दो माउंट यहाँ दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ फ्रंट कैरियर फ्रंट पैनियर के लिए भी इसमें माउंट दिए हुए हैं। तो अगर कोई टूरिंग बाइक देख रहा है तो इसके लिए जा सकता है। तो राहुल भाई सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, इसका प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस मिलेगा आपको अभी करंट के अंदर 65। तो ये 65 की मिल जाती है, और कहाँ से ले सकते हैं इसको? डिकैथलॉन से मिल जाएगी। डिकैथलॉन में इजीली मिल जाएगी? इजीली तो नहीं मिलेगी, बस ये कि ये थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल होती है। ओके, जैसे आई और 15 दिन मिली। तो राहुल भाई एक चीज और बताओ यार, इसमें साइकिल में वेट कितना है? इस साइकिल का वेट है 10.5 kg। ओके, विद एक्सेसरीज? विदाउट एक्सेसरीज। ओके, तो इसमें आई थिंक एक्सेसरीज अभी कुछ लगी भी नहीं हुई है, एक लाइट ही लगी हुई है। तो फिलहाल तो इसका वेट थोड़ा ज्यादा हुआ, तो काट देना। फिलहाल तो इसका वेट थोड़ा ज्यादा हुआ क्योंकि इसमें टायर लगे हुए हैं ग्रेवल, तो थोड़ा सा 500 ग्राम बढ़ गया हुआ। ओके, फिर भी कंफर्टेबल है। ठीक है, चलो। तो ये था भाई सारा रिव्यू इस बाइक के बारे में। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए हो इस बाइक के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ आप राहुल भाई को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हो भाई आप? नहीं हो? यूट्यूब पे हो? नहीं, तो कोई नहीं, आप मुझे फॉलो कर लो यार, मैं इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह पे हूँ। तो अच्छा लगा राहुल भाई आपसे मिलके, और हाँ इनको विश कर सकते हो, स्ट्रावा पे इनको फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये मनाली ले करने जा रहे हैं, वो भी इसी सेम बाइक पे।
तो आप देख सकते हो, इनकी वीडियोस होंगी तो मैं शेयर कर सकता हूँ आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ मिलते हैं, और भी अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलते हैं आपसे बिल्कुल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच। ओके भाई, तो इसी के साथ करते हैं भाई इस वीडियो को एंड। और ये था हमारा पूरा रिव्यू ट्राइबन RC 500 का। अगर कुछ भी और इसके बारे में जानना है, तो आपको बाइक के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, साइकिल चलाते रहो। बाय बाय।